आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्त कि अगर आप एक कोर्स क्रिएटर हैं और आप चाहते हैं कि अपने कोर्स के लिए एक अच्छा सा यूनिक सा एक वेबसाइट डिजाइन करने के लिए, तो दोस्त इसमें मैं आपका हेल्प कर सकता हूं। मैं आपको यही आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने लिए एक अच्छा सा कोर्स सेलिंग वेबसाइट कैसे बना पाएंगे। उसके अंदर सारे फीचर्स होगा, जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो भी कोर्स इनरोल करेगा उसे आप ऑनलाइन सेल कर पाएंगे और कोर्स कंप्लीट होने के बाद उसको ऑटोमेटिक एक सर्टिफिकेट भी जनरेट हो जाएगा। ये सारे फीचर्स हम आपको देने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, इस ट्यूटोरियल के अंदर। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एक डेमो वेबसाइट ओपन करके रखा है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो फ्रंट पेज का डिजाइन होगा कुछ इस तरह का हम लोग डिजाइन करेंगे यहाँ पे। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका कोर्स यहाँ पे लिस्ट होगा, जो कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे फ्री भी है और यहाँ पे पेड भी यहाँ पे कोर्स है। और अगर नीचे में देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी कोर्स आप क्रिएटर है आपके डिटेल्स यहाँ पे होगा। और नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपके जो भी पार्टनर्स होंगे उनका भी यहाँ पे लोगो लगा सकते हैं। और भी यहाँ पे आपके जो भी फीडबैक आएगा उस फीडबैक को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके कितने स्टूडेंट हैं इनरोल कर चुके हैं वो सारे चीज़ यहाँ पे शो करा सकते हैं। और अपने हिसाब से आप इसको फुली कस्टमाइज कर पाएंगे। जो अभी आप डेमो देख रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए कि कोई एक कोर्स हम ओपन करते हैं जो कि फ्री वाला है, अगर मैंने यहाँ पे ओपन किया तो इसका जो इंटरफेस है कुछ इस तरह से दिख रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ डिफरेंट तरीके से यहाँ पे दिखाने वाले हैं। और अगर हम यहाँ पे बैक चलें तो ये फ्री है, अगर यहाँ पे हम बैक चलें तो ये पेड वाला जो है इसको अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि बाय करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे इस कोर्स को इनरोल करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई भी यूजर इस कोर्स को एक्सेस कर पाएगा। लेकिन ये जो डेमो मैं दोस्तों आपको दिखा रहा हूँ इसके अंदर हम लोग कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड करने वाले हैं। इसके अंदर हम इस प्लगइन को ऐड करेंगे जो कि ट्विटर प्लस LMS प्रो है। इस प्लगइन को इंटीग्रेट करने से ये होगा कि इसके अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे बहुत ही एडिशनल फीचर्स आएगा जो कि आगे हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ है इसके अंदर एडिशनल फीचर आएगा। अगर आप किसी का अभी तक किसी का अगर ऑनलाइन आप कोर्स बाय किए होंगे उनके अंदर अगर आप देखे होंगे जो जितने सारे फीचर देखे होंगे तो उस सारे फीचर आप अपने में ऐड कर पाएंगे। और भी दोस्त आप होम पेज पे देखेंगे तो यहाँ पे ऑल कोर्स का एक लिंक मिलेगा, यहाँ पे अबाउट अस, कंटेक्ट अस और माय अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे कुछ और भी एडिशनल चीज़ें अगर आप ऐड करना चाहेंगे तो वो भी ऐड हो जाएगा। तो दोस्त अगर आप इस तरह का वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो दोस्त आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मेरा नाम रंजन कुमार है और आप देख रहे हैं उरुवेब। तो चलिए तो शुरू करते हैं। अपने को कोर्स सेलिंग वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले दोस्त अपने को एक जरूरत पड़ेगी डोमेन नेम की। जैसे कि मान लीजिए कि आपका जिस भी नाम से इंस्टीट्यूट हो, कोचिंग हो, उस नाम का एक डोमेन नेम चाहिए। जिस डोमेन नेम को आप ऑनलाइन अगर सर्च मारेंगे तो बहुत सारे ऐसी वेबसाइट मिल जाएगी जहां पे आप रजिस्टर कर पाएंगे। उसके बाद एक होस्टिंग की जरूरत पड़ती है जहां पे आपका जो भी डेटा होगा ऑनलाइन स्टोर होगा उसको होस्टिंग हम लोग बोलते हैं। मान लीजिए कि आपका कोचिंग या स्कूल है तो आप अपने कोचिंग के लिए जो भी स्पेस लिए हैं वैसे ही हम लोगों के लिए एक वेबसाइट के लिए ऑनलाइन स्टोर लेना पड़ता है। तो चलिए उसको हम बता देते हैं कि आप कहाँ से बाय करेंगे। अगर ऐसे ऑनलाइन आप सर्च मारेंगे तो बहुत सारी कंपनियाँ मिल जाएगी जो कि होस्टिंग प्रोवाइड करती है। लेकिन दोस्त मैं यहाँ पे जिस कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ से अगर आप होस्टिंग बाय करते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा बेहतरीन सर्विस आपको मिलने वाला है। इस वेबसाइट का नाम है hostinggard.in। आप गूगल पे टाइप करेंगे या सर्च करेंगे hostinggard.in तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। इसके बाद इस वेबसाइट पे आपको आ जाना है और आप यहाँ पे नीचे में आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ट्रस्ट पायलट पे 22488 रेटिंग है जो कि 4.6 का रेटिंग है। यानी यहाँ पे बहुत ही ट्रस्टेड कंपनी है, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे सर्विस आपको मिलने वाला है। तो दोस्त आपको यहाँ पे आने के बाद इस वेबसाइट पे आपको यहाँ पे होस्टिंग पे आना है और वेब होस्टिंग पे क्लिक कर देना है। वेब होस्टिंग पे जैसे ही दोस्त आप क्लिक करेंगे तो इनका यहाँ पे जितने सारे होस्टिंग होगा यहाँ पे सारे होस्टिंग शो हो गया है। जो भी बिगनर के लिए एक होस्टिंग चाहिए बिगनर के लिए यहाँ पे होस्टिंग आपको मिल जाता है। तो मान लीजिए कि अगर आपके पास एक ही वेबसाइट है होस्ट करने के लिए तो दोस्त आप इनका सिंगल प्लान ले सकते हैं। यहाँ पे सिंगल प्लान लेंगे तो यहाँ पे 69 रुपए के हिसाब से आपको एक वेबसाइट होस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा, 50 GB SSD मिल जाता है और साथ में आपको एक ईमेल आईडी मिल जाएगा और यहाँ पे आपको डोमेन नेम फ्री नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्त अगर आप मेरा रिकमेंडेशन चाहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रीमियम होस्टिंग पे जाइए, क्योंकि दोस्त अगर आप कोर्स सेलिंग करेंगे तो आपकी वेबसाइट पे हो सकता है ज़्यादा ट्रैफिक आए, तो ज़्यादा ट्रैफिक आएगा तो ये जो सिंगल वेबसाइट वाला है ये लोड नहीं ले पाएगा। तो यहाँ पर अगर आप प्रीमियम वाला लेते हैं तो आपका यहाँ पे ए वाला जो है ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक भी आपका झेल पाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे 100 वेबसाइट इस पे होस्ट कर पाएंगे और साथ में आपको यहाँ पे 100 GB SSD स्टोरेज मिल जाता है और यहाँ पे फ्री ईमेल मिलता है, अनलिमिटेड फ्री SSL मिलता है।
यहाँ पे अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलता है और यहाँ पे साथ में आपको फ्री एक डोमेन नेम मिल जाता है, जो कि आपको ये सिंगल वाले पे फ्री डोमेन नेम नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको फ्री डोमेन नेम मिल जाता है। आपका किसी भी एक्सटेंशन हो, कोई भी एक्सटेंशन हो, आप कोई भी एक्सटेंशन आप ले पाएंगे, डॉट ईडू ले सकते हैं, डॉट एजुकेशन वाला या डॉट ऑनलाइन वाला, डॉट या लाइव वाला या कॉम या डॉट इन या कुछ भी आप ले सकते हैं, कोई भी एक्सटेंशन आप यहाँ से ले सकते हैं, फ्री में क्लेम कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपको ये वाला प्लान लेना है तो दोस्त आपको क्या करना है कि ऐड टू कार्ट पे यहाँ पे करना है, यहाँ पे 100 वेबसाइट होस्ट कर पाएंगे, यहाँ पे अनलिमिटेड बैंडविड्थ आपको मिल जाता है, आपको 24 घंटा सपोर्ट मिल जाएगा, अनलिमिटेड फ्री एसएसएस मिल जाएगा, यहाँ पे ऑफ टाइम में आपको 99.9% मिलता है, वीकली बैकअप ले सकते हैं, मैनेज वर्डप्रेस मिलेगा। और साथ में दोस्त अगर आप इनका 48 महीने का प्लान लीजिएगा तो आपको यहाँ पे 119 रुपये के पर मंथ के हिसाब से पड़ेगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप लिंक पे क्लिक करके आएंगे तभी दोस्त आपको ये एडिशनल यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 20% का यहाँ पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया है। अगर आप यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कोई एक नया टैब ओपन करता हूँ, अगर आप इस तरह से डायरेक्ट सर्च करके आएंगे तो यहाँ पे दोस्त ये वाला प्लान हम लोगों ने ऐड किया था, ये वाला प्लान अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे 20% का जो एडिशनल जो वहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा था ये आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आप जो वीडियो देख रहे हैं ना, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आएंगे तभी आपको 20% का एडिशनल और डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पे दोस्त आप देखेंगे कि 8,439 रुपये का प्लान हो गया है, यहाँ पे 20% का एडिशनल आपको डिस्काउंट नहीं मिला है, टोटल आपको 75% डिस्काउंट मिला है। लेकिन अगर आप यहीं पे अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे 20% का एडिशनल डिस्काउंट है, जो कि सेम प्लान में आपको 119 रुपये का पड़ रहा है। और यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप लिंक पे क्लिक करके आएंगे तो आपके 119 रुपये का प्लान पड़ेगा और यहाँ पे 6,700 रुपये का प्लान पड़ेगा 48 महीने का। लेकिन अगर आप यही डायरेक्ट अगर आप वेबसाइट पे आते हैं, डायरेक्ट अगर वेबसाइट पे आप आएंगे तो यहाँ पे ये वाला छूट आपको नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए कि अगर आप 24 महीने का प्लान लेंगे तो आपका जो 24 महीने का प्लान का जो पैसा होगा यहाँ पे तो 5,000 के समथिंग होगा, 5,079 रुपया होगा। अगर हम यहाँ पे देखें जो कि लिंक पे हमने क्लिक करके आया है तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो इसका प्राइसिंग होगा 4,000 के समथिंग होगा, यहाँ पे 4,055 रुपया, यानी 20% का एडिशनल डिस्काउंट हो गया। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि दोस्त आप ये वाला प्लान लीजिए, 24 महीने वाला या 48 महीने वाला। 48 महीने का लेंगे तो ये होगा कि आपका मान लीजिए 48 महीने के बाद जब भी आप रिन्यू करेंगे तो यहाँ पे 249 रुपये के हिसाब से रिन्यू होगा। अगर मान लीजिए कि एक महीने के लिए लेंगे प्लान तो आपको 599 का पड़ेगा, यहाँ पे कोई डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप 12 महीने के लेंगे तो 191 रुपये का मिलेगा और आपका जो रिन्यूअल प्राइस होगा 350 के आसपास रिन्यूअल प्राइस होगा पर मंथ के हिसाब से। तो अब यहाँ पे आप 12 महीने का प्लान लीजिएगा तो यहाँ पे जो 20% का एडिशनल जो डिस्काउंट है यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। 20% का आपको डिस्काउंट एडिशनल चाहिए तो आपको 24 महीने या 48 महीने का आपको प्लान लेना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ पे 20% का एडिशनल आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है। तो दोस्त आप मेरे हिसाब से आप यहाँ पे 24 महीने या 48 महीने का प्लान बाय कर लीजिए और साथ में एक डोमेन नेम आपको फ्री मिल जाएगा। और आपको क्या करना होगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा ना, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा कि एक लिंक, उस लिंक पर क्लिक करके आएंगे तभी आपको ये 20% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। जब आप अपने होस्टिंग घर पे आ जाएंगे तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो भी आपका डोमेन है उस डोमेन को आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे अपना डोमेन को सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आप जब नया नया जब सेटअप करेंगे तो कुछ आपका डिफरेंट तरीके से सेटअप होगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पे सारे डिटेल्स नहीं बताए। यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे जो सेटअप है उसी पे मैं यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करके आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे सारे नेक्स्ट का स्टेप आएगा, उस पर आप क्लिक कर करके आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। यहाँ तक पहुँचने के बाद दोस्त आपको क्या करना है कि अपनी वेबसाइट पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर मैं अपना डोमेन नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक सब डोमेन पर यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि वर्डप्रेस इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक डोमेन को सेलेक्ट कर लिया, सब डोमेन को। सब डोमेन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आपको ये नहीं मिलेगा। डायरेक्ट आपको यहाँ पे इंस्टॉल वर्डप्रेस का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे अनदर जो वर्डप्रेस का ऑप्शन मिल रहा है आपको ये नहीं मिलेगा, डायरेक्ट वर्डप्रेस का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आने के बाद दोस्त अपने साइट का जो भी टाइटल हो, जो भी नेम हो, आप यहाँ पे डाल दीजिए और यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल दीजिए। यहाँ पे जो भी आप पासवर्ड डालेंगे उसी पासवर्ड से आप आगे चल के लॉगिन कर पाएंगे। यहाँ पे आपका यूजर नेम हो गया और यहाँ पे आपका पासवर्ड हो गया, इसी पासवर्ड से आप लॉगिन कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपको इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन मिलेगा। अब इस पे इंस्टॉल नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एडमिन पैनल पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप एडमिन पैनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिडायरेक्ट होके आपका जो भी वेबसाइट है उसका एडमिन पैनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा।
लेकिन मान लीजिए कि आपको अगर फिर से दोबारा से आपको जब भी एडमिन पैनल ओपन करना हो तो दोस्त आप बार बार अपने होस्टिंग को तो लॉगिन करेंगे नहीं। आपको क्या मैं बता देता हूँ कि आप दोबारा से जब भी करना हो तो दोस्त आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अपने डोमेन नेम को यहाँ पे कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे नया टैब में ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने अपना यहाँ पे डोमेन नेम को यहाँ पे एंटर कर दिया है, यहाँ पे इस तरह का एरर आ रहा है। तो दोस्त आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके केस में ये एरर नहीं आएगा, ठीक है दोस्त। यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, wp-admin कर देंगे और यहाँ पे एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद दोस्तों अपना यहाँ पे यूजर नेम डाल दीजिए और यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए, जो आपने यूजर आईडी बनाया था और जो आपने पासवर्ड वहाँ पे क्रिएट किया था उसी पासवर्ड को डालना है और उसी यूजर नेम को यहाँ पे डाल के लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आप अपने एडमिन पैनल को, तब यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है कि यूजर नेम डालना है और पासवर्ड डालना है, जो आपने वहाँ पे यूजर नेम क्रिएट किया था और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था उसी यूजर नेम और पासवर्ड को डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे अपना यूजर नेम डाल दिया और पासवर्ड मैंने जो वहाँ पे क्रिएट किया था उसी पासवर्ड के यहाँ पे डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। तो दोस्त आप इस तरह से अपने वेबसाइट को लॉगिन कर पाएंगे अपने यूजर नेम और पासवर्ड के माध्यम से। चलिए दोस्त अब आगे का प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग्स पे आना है और यहाँ पे जनरल सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। जनरल सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका साइट टाइटल आएगा, आपका जो भी साइट टाइटल हो आप डाल दीजिए और यहाँ पे आपको टैगलाइन डालना होगा, अपना टैगलाइन आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद दोस्त आप यहाँ पे एनीवन कैन रजिस्टर का ऑप्शन है, इस पे इनेबल कर दीजिए, इस पे इनेबल कर दीजिए। उसके बाद दोस्त आपका यहाँ पे आएगा, आपका टाइम जोन आएगा, आपका जो भी टाइम जोन हो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, मेरा +5:30 है इंडिया का तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्त आपको यहाँ पे परमालिंक्स पे आ जाना है। परमालिंक्स पे आने के बाद दोस्त आपको यहाँ पे पोस्ट नेम पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है, अपने को इतना करना है। इसके बाद दोस्त अपने को यहाँ पे अपीयरेंस पे आना है और यहाँ पे एक थीम इंस्टॉल करेंगे। थीम पे क्लिक करने के बाद दोस्त यहाँ पे ऐड न्यू थीम पे हम लोग क्लिक करेंगे। ऐड न्यू थीम पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी थीम इंस्टॉल होगा यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे जो थीम इंस्टॉल करना है ये अस्ट्रा थीम इंस्टॉल करना है, तो हम लोग यहाँ पे अस्ट्रा थीम इंस्टॉल कर लेंगे। अगर आपको ये अस्ट्रा थीम यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो दोस्त आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं अस्ट्रा, तो यहाँ पे आपको टॉप में ही अस्ट्रा मिल जाएगा, तो आप इस थीम को इंस्टॉल कर पाएंगे। अस्ट्रा थीम इंस्टॉल करने के बाद दोस्त आपको यहाँ पे एक्टिवेट नाउ पे क्लिक कर देना है। अब इस थीम को हमने एक्टिवेट कर दिया। अब चलते हैं अपने होम पेज को देखते हैं कि हम लोगों का होम पेज किस तरह से दिख रहा है। तो अभी भी दोस्त आप देखेंगे कि होम पेज का जो लुक है बहुत ही बेकार दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अभी इसको कस्टमाइज हम लोग करेंगे अपने तरीके से। अब यहाँ पे हम प्लगइन सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जो सबसे पहला जो प्लगइन होगा यहाँ पे दोस्त हम लोग WooCommerce Elementor को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे Elementor मैंने सर्च कर दिया है और यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे। इसके जब तक प्लगइन इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम लोग दूसरा प्लगइन यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे इस बार हम WooCommerce को यहाँ पे सर्च करेंगे। तो मैंने यहाँ पे WooCommerce सर्च कर दिया, तो यहाँ पे जो WooCommerce प्लगइन आएगी उसको हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हमें एक और प्लगइन इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया स्टार्टर टेम्पलेट। तो यहाँ पे दोस्त आप देखेंगे कि ये वाला प्लगइन अपने को इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे हमने अभी तक 3 प्लगइन को इंस्टॉल कर दिया है। अब अपने को दोस्त यहाँ पे एक और प्लगइन इंस्टॉल करना है जो कि ट्विटर LMS है। तो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अपने को एक फाइल बाय करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे थीम राजा की वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ पे ट्विटर LMS प्रो आपको मिलेगा और यहाँ पे सर्टिफिकेट बिल्डर मिलेगा, तो आप इसको बाय कर लीजिएगा। बाय करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा ट्विटर LMS, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और सर्टिफिकेट बिल्डर भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद चलिए इंस्टॉल कर लेते हैं। अभी हम यहाँ पे डाउनलोड पर लगाए तो डाउनलोड हो रहा है। ओके दोस्त यहाँ पे सर्टिफिकेट बिल्डर भी हमने डाउनलोड पे लगा दिया, ये भी डाउनलोड हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है प्लगइन, हम चलिए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे ट्विटर LMS प्रो को मैं यहाँ पे एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक कर दिया हूँ और जो सर्टिफिकेट बिल्डर है ना उसको आगे चल के मैं बताऊंगा कि उसका सेटअप कैसे करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे 3-4 प्लगइन इंस्टॉल कर लिया है। अब यहाँ पे एक और प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि कार्ड फ्लो इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि हम लोग इसको बाद में इंस्टॉल करेंगे। अब चलिए अब इसका सेटअप हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले दोस्त अपने को सेटअप करने के लिए होम पेज का सेटअप करेंगे। तो इसके लिए दोस्त हम लोग आएंगे यहाँ पे अस्ट्रा जो है ना यहाँ पे साइड बिल्डर पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे एक और प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए वार्निंग आ रहा है यहाँ पे कार्ड फ्लो को, तो दोस्त हम लोग कार्ड फ्लो को जो है ना बाद में इंस्टॉल करेंगे। फिलहाल तो हम लोग अपने साइड का सेटअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे अस्ट्रा पे आएंगे और यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक कर देंगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद दोस्त हम लोग यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट्स का जो ऑप्शन है इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे। यहाँ पे एक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने जो प्लगइन इंस्टॉल किया है अभी एक्टिवेट नहीं किया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वो प्लगइन इंस्टॉल एक्टिवेट कर लेते हैं। तो इंस्टॉल प्लगइन के अंदर चलते हैं
और यहाँ पे हम लोगों ने जो जो प्लगइन इंस्टॉल किया था उस प्लगइन को यहाँ पे एक्टिवेट कर लेते हैं। यहाँ पे एक ही प्लगइन एक्टिवेट नहीं है जो कि ये वाला प्लगइन है, बाकी एक्टिवेट हो चुका है। चलिए हम इसको मैन्युअली एक्टिवेट कर लेते हैं। यहाँ पे प्लगइन को जैसे ही आप एक्टिवेट करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पे। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे एलिमेंटर पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे एलिमेंटर हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे जो टेम्पलेट है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो हमने यहाँ पे जो टेम्पलेट आपको दिखाया था वो वाला टेम्पलेट यहाँ पे हम लोग ढूंढ लेते हैं, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं उस टेम्पलेट को। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, जिसमें भी आपको डिज़ाइन करना हो आप कर सकते हैं, लेकिन हमें जिसमें करना है उस वाले टेम्पलेट को हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे है। तो वो वाला जो टेम्पलेट हमने दिखाया था ये वाला टेम्पलेट है, यहाँ पे लर्न डैश एकेडमी का है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपलोड अपना जो भी आपका लोगो है आप यहीं पर अपना लोगो अपलोड कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे अपलोड सेक्शन से मैंने अपना यहाँ पे लोगो अपलोड कर रखा है और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे कलर का आपका कलर कम्बिनेशन जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं और फॉन्ट भी, चलिए मैं जो है बाय डिफॉल्ट उसी को रहने देते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि रिक्वायर्ड प्लगइन मिसिंग, यानी LMS डैश जो तीन यहाँ पे जो प्लगइन है इसको मतलब इंस्टॉल करने के बोल रहा है, लेकिन हम यहाँ पे स्कीप एंड स्टार्ट इंपोर्टिंग पे क्लिक कर देंगे हम, क्योंकि यहाँ पे ये प्लगइन पे काम नहीं करने वाले हैं, दूसरे प्लगइन पे करने वाले हैं। अब यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिए, ईमेल आईडी डाल दीजिए और यहाँ पे IM बिगनर पे डाल दीजिए और यहाँ पे आप अपने हिसाब से डाल दीजिए माई क्लाइंट या माई सेल्फ। अभी इसके बाद सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे ही 100% हो जाएगा तो आपको यहाँ पे कंग्रेचुलेशन का यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। अब यहाँ पे विजिट योर वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो होम पेज का टेम्पलेट होगा यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको दिख जाएगा। तो आप अपने होम पेज को कस्टमाइज कर पाएंगे। जो मैंने टेम्पलेट दिखाया था सेम ऐसा ही टेम्पलेट यहाँ पे आ चुका है, तो आप इस टेम्पलेट को अपने हिसाब से अपने तरीके से कस्टमाइज कर पाएंगे। अब चलिए इससे पहले कस्टमाइज करने से पहले जो बाकी का जो सेटिंग्स है उसको हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे डैशबोर्ड में अपने चलेंगे अपनी वेबसाइट के। अब यहाँ पे आने के बाद दोस्त हम लोग कोर्स को ऐड करेंगे, लेकिन दोस्त आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक वार्निंग आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो LMS जो ट्विटर LMS जो हम लोगों ने प्लग इंस्टॉल किया है उसका एक फ्री वर्जन भी इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे और आप जहाँ से डाउनलोड किए हैं प्रो फाइल आपको वहीं पे एक फ्री फाइल भी मिलेगा जिसको आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे ट्विटर LMS को आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे इस प्लगइन को एक्टिवेट कर लेते हैं, यानी ट्विटर LMS जो प्रो है उसे एक्टिवेट करने के लिए पहले फ्री वाला इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद प्रो वाला आप इंस्टॉल करेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा एक्टिवेट होने के बाद। तो यहाँ पे दोस्त हम यहाँ पे आई ऑलरेडी नाउ स्किप पे क्लिक कर देते हैं क्योंकि जो भी चीज़ें हम मैनुअली आपको बताने वाले हैं। अब यहाँ पे दोस्त आप देखेंगे कि ट्विटर LMS प्रो यहाँ पे ओपन हो चुका है और साथ में यहाँ पे कोर्सेज पे भी क्लिक है। अब दोस्त हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे इंटरफेस बहुत ही प्लेन आ रहा है, बहुत ही क्लीन आ रहा है। तब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ऐड न्यू कोर्सेज पे क्लिक कर देंगे, या तो आप इससे पहले कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे, लेकिन हम लोग दोस्त आपको कैटेगरी भी ऐड करना वहीं पे बता देंगे। चलिए ऐड न्यू कोर्सेज पे क्लिक कर देते हैं। ऐड कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद दोस्त यहाँ पे एक फॉर्म ओपन हो जाता है जिसके अंदर हम लोग सारा डेटा फिल करके अपने कोर्स को ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास तो कोई कोर्स है नहीं ऐड करने के लिए, लेकिन मैं दोस्त यहाँ पे Udemy वेबसाइट को ओपन किया हूँ और यहाँ पे मैंने एक कोर्सेज को ओपन किया हूँ, उस कोर्स को मैं यहाँ पे ऐड करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ये कोर्स का टाइटल है, तो चलिए हम अपने टाइटल में यहाँ पे डाल देते हैं। इसके बाद दोस्त अपने को डिस्क्रिप्शन डालना है, तो मान लीजिए कि मेरा डिस्क्रिप्शन यही है, तो इस डिस्क्रिप्शन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ यह डिस्क्रिप्शन। इसके बाद दोस्त अपने को यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालना है, जो कि हम यहाँ से ये वाला चीज़ उठा लेते हैं, यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन उठाते हैं और यहाँ पे हम डाल देंगे यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अब दोस्त आप यहाँ पे देखेंगे कस्टम फीड आता है, तो यहाँ पे कस्टम फीड को फिलहाल हम लोग रहने देते हैं। इसके बाद दोस्त हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद दोस्त आप यहाँ पे देखेंगे कि जनरल सेटिंग आता है, जहाँ पे दोस्त आप यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट, यानी यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जीरो रखते हैं तो यहाँ पे अनलिमिटेड स्टूडेंट इनरोल कर पाएंगे आपके कोर्सेज को। अगर आप चाहते हैं कि आपके कोर्सेज जो है उसमें 50 स्टूडेंट आए या 100 स्टूडेंट यहाँ पे आए, तो दोस्त आप यहाँ पे 100 टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे कि 100 टाइप कर देंगे, 100 से मैक्सिमम 100 ही स्टूडेंट इसको इनरोल कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि अनलिमिटेड, तो आप इसको जीरो कर दीजिए। इसके बाद दोस्त यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल आता है, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बिगनर आता है, मतलब आपका कोर्स कौन ले सकता है, बिगनर ले सकता है या ऑल लेवल के ले सकते हैं या एक्सपर्ट ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे पब्लिक कोर्सेज का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप इसको इनेबल नहीं कीजिए, इसको डिसेबल ही रखिए, क्योंकि अगर आप पब्लिक कर देंगे तो दोस्त आप जैसे ही पब्लिश करेंगे तो आपका कोर्स जो होगा कोई भी एक्सेस कर पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग रहने देते हैं। इसके बाद दोस्त आप यहाँ पे देखेंगे कोर्स बिल्डर, यहाँ पे ऐड न्यू टॉपिक का ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद दोस्त आप यहाँ पे देखेंगे
व्हाट विल आई लर्न, यहाँ पे इसका आंसर आप देंगे, यहाँ पे टारगेट ऑडियंस आप यहाँ पे सेट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे टारगेट कोर्स ड्यूरेशन जो है आपका, यहाँ पे अपने कोर्स ड्यूरेशन को मेंशन करेंगे। इसके बाद दोस्त यहाँ पे मटेरियल इंक्लूडेड, यहाँ पे क्या क्या मटेरियल आप दे रहे हैं अपने कोर्सेज के अंदर, पीडीएफ दे रहे हैं, वीडियो दे रहे हैं, आप यहाँ पे उसके बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देंगे। उसके बाद दोस्त आप यहाँ पे देखेंगे रिक्वायर्ड इंट्रक्शन का ऑप्शन आता है, अगर आप यहाँ पे अगर कोई इंट्रक्शन देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे अगर हम कोर्सेज पे देखें तो यहाँ पे सारे डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, जैसे देखेंगे कि यहाँ पे दिस कोर्सेज के अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड है, तो आप ये चीज़ दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोर्स कंटेंट आता है, और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे थंबनेल एक इमेज आता है, जो कि आप अपने कोर्सेज के अंदर एक इमेज भी आप ऐड कर पाएंगे। नीचे में आएंगे तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे वीडियो का जो ऑप्शन है, यहाँ पे नो वीडियो सोर्स सेलेक्टेड फ्रॉम सेटिंग है, मतलब हम लोगों को सेटिंग करना पड़ेगा वीडियो के लिए। ओके दोस्त, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, यहाँ पे फीचर इमेज सेट करना पड़ेगा, तब यहाँ पे हम फीचर इमेज को एक ऐड कर लेते हैं। तो मेरे पास कोई इमेज तो है नहीं, चलिए मेरे पास जो इमेज है उसी इमेज को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। मेरे पास मान लीजिए कि ये इमेज है, इस इमेज को मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा इमेज अपलोड गया, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे मेरा इमेज आ गया। अब दोस्त थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो यहाँ पे अपने को टैग डालना होता है। मान लीजिए कि अपना जो कोर्सेस है आपका, जिस भी कैटेगरी से हो उस कैटेगरी से रिलेटेड यहाँ पे आप थोड़ा सा टैग डाल दीजिए, ताकि अपने सर्चेज में आए। और उसके बाद यहाँ पे ऐड कैटेगरी का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे हम कैटेगरी मान लीजिए कि मेरा पाइथन से है, तो मैं यहाँ पे पाइथन यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ऐड कैटेगरी पे क्लिक करके ऐड न्यू कैटेगरी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। पब्लिश कर दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि सेटिंग्स के अंदर आएंगे, क्योंकि सेटिंग्स के अंदर कुछ सेटिंग बाकी है, उसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। सेटिंग्स पे आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि डैशबोर्ड पेज का है, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन का है, यहाँ पे आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन का जो पेज होगा आप यहाँ पे ऐड करके सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन का पेज नहीं बनाया, इसलिए हम यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे इनेबल मार्केट प्लेस है, इसको हम इनेबल कर देंगे। और इसके बाद दोस्त यहाँ पे इसको 20 रहने देंगे, अलाउ इंट्रक्शन अप टू पब्लिश, यहाँ पे इसको इनेबल कर देंगे। और आप बिकम अ इंट्रक्शन बटन, इसको भी हम यहाँ पे इनेबल करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे कोर्सेज का ऑप्शन आएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कोर्स विजिबिलिटी है और मस्ट बी लॉगिन टू व्यू कोर्स जो है, तो हम यहाँ पे इनेबल नहीं करेंगे। हमारा जो कोर्स है कोई भी आके यहाँ पे अपने मतलब देख पाएगा, मतलब कोर्स कंटेंट एक्सेस का है, इसको हम इनेबल नहीं करेंगे। यहाँ पे कंटेंट समरी है, इसको इनेबल रखेंगे। ऑटो रीडायरेक्ट टू कोर्स यहाँ पे इनरोल होने के बाद इसको हम इनेबल कर देंगे। और इसके बाद इसको भी हम इनेबल नहीं करेंगे। और ऑटो कम्प्लीटेशन जो कोर्स का लेसन का कम्प्लीटेशन का जो इनेबल करने का ऑप्शन आ रहा है, इसको हम इनेबल नहीं करेंगे। स्टूडेंट अपना खुद से कोर्स कंप्लीट करेगा, खुद से वहाँ पे कंप्लीट पे क्लिक करेगा। उसके बाद कोर्स कंप्लीटेशन प्रोसेस का जो फ्लेक्सिबल है और स्ट्रिक्ट है, तो अगर आप स्ट्रिक्ट कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि वो कोई भी क्वेश्चन को पास नहीं कर पाएगा। वो यहाँ पे कोर्स रीटेक का ऑप्शन है, तो आप चाहें तो यहाँ पे रीटेक के लिए उसको इनेबल कर दीजिए। पब्लिश कोर्स रिव्यू या एडमिन अप्रूवल, तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो उसका जरूरत नहीं है। यहाँ पे रिडायरेक्ट, यहाँ पे इंट्रक्शन माई कोर्स ऑन पब्लिश बटन टू क्लिक, इसको भी आप इनरोल कर दीजिए। इनरोलमेंट एक्सपायरेशन इसको रहने दीजिए, हम अगर आप चाहते हैं कि अगर एक्सपायरेशन आपको देना तो आप इनेबल कर लीजिए। यहाँ पे ये चीज़ बोल रहा है कि मान लीजिए कि कोई अदर आदमी अगर आपके वेबसाइट पे कोई कोर्स पब्लिश करता है, तो अगर आप चाहते हैं कि उस कोर्स को रिव्यू करना, तो दोस्त आप इसको इनेबल कर लीजिए कि कोर्स को रिव्यू कर लेंगे। उसके बाद WP एडिटर लेसन है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली लोड नेक्स्ट कोर्स कंटेंट है, तो इसको हम लोग रहने देंगे। इनेबल को लेसन कमेंट, तो इसको भी हम रहने देंगे। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं लेसन पे कोई कमेंट करे तो आप इसको इनेबल कर लेंगे। फिलहाल हम लोग ये चीज़ें रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे परफॉर्म वीडियो सोर्स, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यूट्यूब को इनेबल कर लेंगे। और एक्सटर्नल कोई URL है तो आप उसको भी इनेबल कर लीजिए। अगर आप शॉर्टकट देना चाहते हैं तो इसको भी इनेबल कर लीजिए। Vimeo से वीडियो देना चाहते हैं तो उसको भी इनेबल कर लीजिए। और इसको सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। वहाँ पे वीडियो का जो सोर्स नहीं आ रहा था ना, तो यहाँ पे इनेबल करने के बाद अब आ जाएगा। यहाँ पे मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आएगा, जो कि आगे हम आपको बताएंगे। डिज़ाइन का ऑप्शन आएगा, एडवांस ऑप्शन आएगा, ये सारी चीज़ आगे बताएंगे हम आपको। फिलहाल हम कोर्स पे चल रहे हैं। जो हम कोर्स ऐड कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोग वीडियो ऐड नहीं कर पा रहे थे, तो फिलहाल ये जो हमारा कोर्स है इसको हम एडिट करेंगे। तो यहाँ पे इस पर हम क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पे हम नीचे में आएंगे, हमारा जो कोर्स के अंदर जो वीडियो का लेवल जो था ना, मान लीजिए कि हम लोगों का जो कोर्स का फॉर्मेट होगा वीडियो में होगा, तो हम लोगों को यहाँ पे वीडियो ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम अब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यूट्यूब को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम चाहेंगे कि हमारा जो कोर्स का जो भी हो यूट्यूब वीडियो हम लोग डालेंगे यहाँ पे। तो मान लीजिए कि कोई भी एक यूट्यूब वीडियो ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया उड़ू वेब, तो आपका जो भी चैनल हो आप क्या कीजिएगा कि यूट्यूब पे वीडियो डालिएगा, उसको अनलिस्टेड रहने दीजिएगा, पब्लिश नहीं कीजिएगा।
पब्लिश नहीं करना है और ना ही उसको प्राइवेट रखना है, आपको सिर्फ अनलिस्टेड पे रखना है। और उसका जो भी लिंक होगा आपके वीडियो कोर्सेज का, आप उसका लिंक को कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके लाके आप यहाँ पे अपने कोर्सेज के अंदर यहाँ पे डाल दीजिए। तो आपको इतना ही करना होता है, यहाँ पे कोर्सेज के अंदर वीडियो डाल दीजिए और यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसको अपडेट कर देंगे। इतना मेरा काम हो गया है। अगर हम चाहेंगे कि इसमें और भी हम लोगों का जो वीडियो कंटेंट है, एक ही अब तो होगा नहीं लेसन इसके अंदर, तो लेसन तो बहुत सारा हो सकता है आपके कोर्स के अंदर, बहुत सारा लेसन हो सकता है। अब एक लेसन तो आप डालिएगा नहीं, यहाँ पे हमने जो डाला है यहाँ पे कोर्स इंट्रो वीडियो है। अब यहाँ पे हम अपना लेसन बनाएंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे एडिशनल डाटा का ऑप्शन जो आ रहा है, यहाँ पे कोर्स बिल्डर आ रहा है, तो यहाँ पे ऐड न्यू कोर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टॉपिक डालेंगे, यहाँ पे समरी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक टॉपिक मैंने बना दिया है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अपना लेसन बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो दिया था इंट्रो वीडियो दिया था, अब यहाँ पे हम लोगों का लेसन होगा। क्विज में आप दे सकते हैं, यहाँ पे क्विज भी ऐड कर सकते हैं, और लेसन के अंदर आपका मल्टीपल लेसन हो सकता है। मान लीजिए कि आपने एक कोर्सेस बनाया उसके अंदर 40-50 वीडियो हो सकता है। यहाँ पे लेसन वन देते हैं। अब यहाँ पे लेसन वन का जो कंटेंट है, आप यहाँ पे कंटेंट भी डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन डाल दे सकते हैं, यहाँ पे फीचर इमेज लगा सकते हैं। और यहाँ पे अगर वीडियो देते हैं तो वीडियो का सोर्स आप देंगे, तो यहाँ पे हम यूट्यूब वीडियो का सोर्स देंगे। उसके बाद यहाँ पे वीडियो का ड्यूरेशन डाल सकते हैं, और यहाँ पे आप अगर आप चाहे तो अपने सर्वर पे भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि आप अपने सर्वर पे अपलोड नहीं कीजिए वीडियो, क्योंकि फ्री में जब आपको यूट्यूब दे ही रहा है स्टोरेज करने के लिए, तो आप यूट्यूब पे स्टोर कीजिए और वहाँ पे अनलिस्टेड रखिए और यहाँ पे उसका लिंक ला के डाल दीजिए। तो यहाँ पे चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे अगर इस वीडियो का ही मैं लिंक यहाँ पे लाता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ, और यहाँ पे अगर आपको कंटेंट डालना है, थंबनेल इमेज डालना है, फीचर इमेज डालना है, तो आप डाल सकते हैं। जैसे कि मेरा मान लीजिए कि यही कंटेंट है और मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया, मेरा एक लेसन यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे लेसन टू ऐड करेंगे, लेसन थ्री ऐड करेंगे, ऐसे ही हम लोग यहाँ पे कर लेंगे 2-4 लेसन। मैं यहाँ पे कंटेंट ज़्यादा टाइप नहीं करूँगा, और यहाँ पे फीचर इमेज का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे वीडियो सोर्स यहाँ पे हम यूट्यूब कर लेते हैं, और सेम इसी लिंक को मैं 2-4 बार डाल के आपको दिखा देता हूँ ताकि दिखाने में सही दिखे। और यहाँ पे अपडेट लेसन कर लेते हैं। यहाँ पे वीडियो का टाइम ड्यूरेशन डाल सकते हैं, जैसे कि अगर आप वीडियो देखेंगे अगर ये 27 मिनट 16 सेकंड का है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं 27 मिनट 16 सेकंड। यहाँ पे लेसन थ्री करते हैं यहाँ पे ऐड, और ऐसे ही हम यहाँ पे और भी लेसन ऐड कर लेंगे। अब मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ इतना मैंने अपडेट कर दिया। अब यहाँ पे हम अपडेट सेटिंग पे क्लिक कर देंगे और इस कोर्स को ओपन करके दोस्तों आपको दिखाएंगे कि एक कोर्स अपना जो है किस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे व्यू कोर्सेस पे हम क्लिक करते हैं और चलते हैं अपने कोर्सेज के ऊपर, देखते हैं कि हम लोगों का कोर्स किस तरह से दिख रहा है। जो हम लोगों का कोर्स दिख रहा है कुछ इस तरह से दिख रहा है। कोर्स का टाइटल आ गया, यहाँ पे कैटेगरी आ गया, उसके बाद यहाँ पे इंट्रो वीडियो है, ये जो हम लोगों ने इंट्रो वीडियो डाला था इंट्रो वीडियो है, और यहाँ पे एनरोलमेंट का ऑप्शन आ रहा है फ्री, क्योंकि हम लोगों ने अभी इस कोर्स को पेड नहीं किया है, फ्री में अभी बता रहा हूँ आपको। और यहाँ पे ऑल लेवल जो आपको दिखेगा, यहाँ पे टोटल इनरोल्ड यहाँ पे दिखेगा, और यहाँ पे डेट दिख रहा है किस डेट को पब्लिश हुआ है, और यहाँ पे कोर्स के बारे में अबाउट अस दिख रहा है जो कि हम लोगों ने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाला था, और यहाँ पे आप देखेंगे रिव्यू अगर कोई रेटिंग देता है तो वो चीज़ दिखेगा, और यहाँ पे कोर्स के अंदर जो कंटेंट है ये चीज़ दिखेगा। तो यहाँ पे कोई क्लिक करेगा तो यहाँ पे देखेंगे कि लॉक का ऑप्शन आ रहा है। लॉक का ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे इनरोलमेंट करना पड़ेगा हमें। तो मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे इनरोल नाउ पे क्लिक करें तो ये उसके बाद एक जो हमारा कोर्स है यहाँ पे दिखने लगेगा। तो हमने इस कोर्स को इनरोल कर लिया है। अब यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हम लोगों का कोर्स है यहाँ पे दिखने लगा है कोर्स है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो लेसन है स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लेसन स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे लेसन जब कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरा जो वीडियो हमने डाला है कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे मार्क्स कंप्लीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दूसरा जो लेसन होगा यहाँ पे दूसरा लेसन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से, और यहाँ पे हम लोगों ने जो कमेंट का जो सेक्शन दिया था, तो यहाँ पे कमेंट वाला सेक्शन है, तो यहाँ पे कोई कमेंट कर सकता है कोई भी यूज़र। तो फिर ये कोर्स है मान लीजिए कि उस पर करेगा कंप्लीट, इस वीडियो को देखेगा और उसके बाद कंप्लीट पे क्लिक करेगा, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आपका जो कोर्स होगा इस तरह से दिखेगा। तो मान लीजिए चलते हैं अपने वेबसाइट के होम पेज पे आते हैं। होम पेज पे आते हैं और यहाँ पे अपने वेबसाइट के अंदर चलते हैं। अब ये जो कोर्स हमने यहाँ पे बनाया था फ्री में बनाया था, अब हम लोग चाहते हैं कि इस कोर्स को हम लोग पेड रखें। मान लीजिए कि जो भी आप प्राइसिंग सेट करना चाहें, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे इनका कोर्स यहाँ पे 499 का है और यहाँ पे इनका जो रेगुलर प्राइस है इतना है, इतना परसेंट डिस्काउंट होकर इतना में मिल रहा है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐड हो जाए। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अपने कोर्सेज पे आएंगे और इसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स पे आएंगे। तो सेटिंग्स पे आने के बाद दोस्त यहाँ पे हम लोगों को एक सेटिंग करना पड़ेगा। तो सेटिंग पे आएंगे, यहाँ पे मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आएगा, इस पर हमें क्लिक करना है, और यहाँ पे डिसेबल मोनेटाइजेशन का जो ऑप्शन आ रहा है ना, इसको हम यहाँ पे इनेबल कर देंगे, यहाँ पे इनेबल हुकमर्स से कर देंगे। ओके दोस्त, हम लोगों ने एक हुकमर्स का प्लगइन इंस्टॉल किया था। हुकमर्स को सिलेक्ट करने के बाद दोस्त यहाँ पे ऑटोमेटिकली कंप्लीट हुकमर्स ऑर्डर्स यहाँ पे इनेबल कर देंगे।
जनरेट WooCommerce ऑर्डर यहाँ पे इसको भी इनेबल कर देंगे। इनेबल रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल यहाँ पे अगर रखेंगे तो आप रख सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपका कोई दो चार कोर्स क्रिएटर है, अगर आप चाहते हैं कि उसको कुछ परसेंटेज उनको भी रेवेन्यू दिया जाए, मान लीजिए कि आपके साइड पे अगर कोई कोर्स पब्लिश कर रहा है तो उसको अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पे शेयरिंग मॉडल लगाने के लिए, तो आप यहाँ पे शेयरिंग मॉडल लगा सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 80% 20% का एडमिन चार्ज है और 80% जो भी कोर्स यहाँ पे क्रिएटर है वो उनको 80% जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे शो स्टेज पर पेज तो आप यहाँ पे ये भी दे सकते हैं। और डिडक्ट फी अगर रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डिडक्ट फी भी रख सकते हैं। मेंटेनेंस फी यहाँ पे फिक्स अमाउंट रख सकते हैं, परसेंटेज रख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 2% 5% 10% आपको जो भी रखना हो। मिनिमम विड्रॉल अमाउंट आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि कितना डॉलर रखना चाहें, अगर आप इंडियन रुपीज़ में रखना चाहते हैं तो कितना इंडियन रुपीज़। और मिनिमम डे बिफोर बिलेंस अवेलेबल यहाँ पे अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं। बैंक ट्रांसफर, चेक, पेपल से आप किस तरह से पेमेंट करना चाहते हैं। ओके दोस्त, अब यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे प्रोडक्ट का जो सेक्शन आएगा ना, यहाँ पे WooCommerce के नीचे आप देखेंगे प्रोडक्ट का सेक्शन आएगा, आप यहाँ पे ऐड न्यू प्रोडक्ट पे ऐड न्यू पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद हम लोगों ने जो वहाँ पे कोर्सेज को ऐड किया था उसी का टाइटल यहाँ पे हम लोग लाएंगे और उसी टाइटल को ला के यहाँ पे ऐड कर लेंगे। यहाँ पे इस टाइटल को यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन डालना है सेम चीज़ वही डिस्क्रिप्शन ला के हम यहाँ पे डाल देंगे। आपको जो भी डालना हो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और यहाँ पे देखेंगे कि तीन ऑप्शन मिल रहा है। अब यहाँ पे फॉर ट्विटर जो है इसको इनेबल करना है और यहाँ पे रेगुलर प्राइस मान लीजिए कि आपका 1000 रुपया है या 10000 है, जितना भी है। और यहाँ पे जो सेल प्राइस है आपका 250 रुपया है, आपने यहाँ पे डाल दिया। आपका जो कैटेगरी है आप यहाँ पे कैटेगरी ऐड कर लीजिए। मैंने जो कैटेगरी बनाया था पाइथन बनाया था, मान लीजिए कि मेरा जो ये पाइथन था यही वाला मेरा कैटेगरी था, तो मैं इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। इसके मतलब ये WooCommerce के अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्त आप यहाँ पे WooCommerce में भी टैग डाल सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल दिया। अब हम क्या करेंगे कि इसको पब्लिश कर देंगे। इतना काम होता है यहाँ पे करने के बाद हम लोग चलेंगे फिर से LMS के अंदर। अब यहाँ पे इसको हम अगर ओपन करके देखेंगे यहाँ पे तो व्यू प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने फीचर इमेज को सेट नहीं किया था, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का हम लोगों का जो प्रोडक्ट है यहाँ पे शो होगा। अभी यहाँ पे हम लोग आएंगे और यहाँ पे एक फीचर इमेज लगा देंगे। जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे फीचर इमेज का ऑप्शन मिलेगा, जो आपके प्रोडक्ट का जो आपके कोर्सेज का जो भी इमेज होगा आप उस इमेज को यहाँ पे सेट कर दीजिए इस तरह से और अपडेट कर दीजिए ताकि यहाँ पे इमेज शो हो जाए। अब दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे नंबर दिख रहा है, तो इस चीज़ को यहाँ से हम हटा देंगे ऐड टू कार्ट को और यहाँ से नंबर्स को भी हटा देंगे। यहाँ पे इनरोल का ऑप्शन ला देंगे हम लोग। आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे इनरोल का सेक्शन कैसे लाएंगे और यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है ना, तो यहाँ पे नंबर कैसे हम लोग हटाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे नंबर तो फिलहाल अब भी हट जाएगा, तो यहाँ पे आप आएंगे इन्वेंट्री में आएंगे और यहाँ पे आप लिमिट परचेज पे क्लिक कर देंगे और अपडेट कर देंगे। तो अपडेट करने के बाद दोस्तों अपने को यहाँ पे आके अपने वेबसाइट पे रिफ्रेश करेंगे। नंबर इसलिए दोस्त हटाना जरूरी है कि मान लीजिए कि अपना ये डिजिटल कोर्स है, डिजिटल प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे नंबर तो सेल कर नहीं सकते। यहाँ पे अगर फिजिकल प्रोडक्ट होता तो नंबर सेल किया जाता है। अब यहाँ से नंबर तो हट गया है, लेकिन एक चीज़ रह गया, यहाँ पे ऐड टू कार्ट का बटन आ रहा है ना, यहाँ पे हम लोग चाहेंगे कि एनरोलमेंट का ऑप्शन है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि जो प्रोडक्ट का जो इमेज है नहीं है, कोई बात नहीं, फिर कोई इंटरनल दिक्कत हो सकता है या तो कैश का दिक्कत हो सकता है। हमने यहाँ पे जो इमेज अपलोड किया था शायद यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे फिर से हम सेलेक्ट कर लेंगे इमेज को और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं सेट इमेज और यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इमेज नहीं आ रहा है, शायद इमेज के कोई दिक्कत है, यहाँ पे आ गया। अब अपडेट करेंगे तो यहाँ पे इमेज आ जाएगा। यहाँ पे हम अपडेट कर लेते हैं फिर से, यहाँ पे इमेज आ गया है। तो दोस्त अगर यहाँ पे कोई भी ऐड टू कार्ट करेगा तो यहाँ से अपने कोर्स को बाय कर पाएगा। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब LMS ट्यूटर का जो ऑप्शन है ना, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, कोर्सेज के अंदर आएंगे और इसके अंदर एक और सेटिंग करना होगा जो कि हम लोग करेंगे अभी अंदर चल के। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं इसको। कोर्सेज के अंदर आने के बाद दोस्त अपने को नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्त हम लोगों ने जो फ्री का एक ऑप्शन था ना, यहाँ पे पेड हम लोग कर देंगे। तो यहाँ पे हमने पेड कर दिया और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट अपना सेलेक्ट कर लेंगे। ये वाला मेरा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पे सेट कर लेंगे। यहाँ पे जो रेगुलर प्राइस है और जो सेल प्राइस है यहाँ पे शो हो गया है। अब आप दोस्त इसको क्या करेंगे, अपडेट पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे अपडेट कर देंगे। तो ये अब हम लोग का जो कोर्स है यहाँ पे पेड हो चुका है, यानी फ्री अब नहीं रह गया। अब इस कोर्स को अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे व्यू कोर्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों का जो कोर्स होगा
अब यहाँ पे पेड का ऑप्शन आएगा। पेड का यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू लर्निंग का है क्योंकि हमने यहाँ पे इनरोल कर रखा है। अब इसको हम क्या करेंगे कि इस लिंक को कॉपी करते हैं और नए टैब में ओपन करके इस कोर्स को देखते हैं यहाँ पे किस तरह से आ रहा है। यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने नया टैब में यहाँ पे कोर्स को ओपन किया, तो दोस्त आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कोर्स का जो प्राइसिंग है 1000 रुपये और यहाँ पे 250 रुपये में कोर्स मिल रहा है यानी डिस्काउंट करके। तो दोस्त अब यहाँ पे इस तरह से दिख रहे हैं, यानी जो भी यूज़र आएगा यहाँ पे अपना कोर्स का डिस्क्रिप्शन पड़ेगा, कोर्स का यहाँ पे जितने भी चैप्टर होंगे जितने वीडियो होंगे सारे वीडियो यहाँ पे शो होंगे पर लॉक यहाँ पे नजर आएंगे। तो दोस्त अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पे डेमो में एक आधो वीडियो भी शो करा सकते हैं। तो दोस्त हम लोगों का जो कोर्सेस होगा कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखेगा। अब चलिए आगे का जो डिजाइनिंग पार्ट है, यहाँ पे हमने तो आपको कोर्सेज ऐड करना बता दिया कि कोर्स कैसे ऐड हम लोग करेंगे। अब जो भी इसके अंदर जो भी एक आधो सेटिंग्स बचा होगा उसको भी हम लोग करेंगे आगे चल के। अब यहाँ पे अपने डैशबोर्ड के अंदर आते हैं तो दोस्त आप इस तरह से अपने कोर्स ऐड कर पाएंगे, प्रोडक्ट ऐड कर पाएंगे। जो भी सेटिंग्स हमने बताया है प्रोडक्ट को कोर्स को ऐड करना, आप इस वीडियो को बेशक 2 बार देख लेना लेकिन आप जो भी प्रोसेस है सही से करना। ओके दोस्त, अब चलिए अब यहाँ पे इतना चीज़ें तो मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पे कोर्सेज के अंदर आएंगे और यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर आएंगे। यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर आएंगे दोस्त, आपका जो कोर्स का जो यहाँ पे प्राइस है ना यहाँ पे हो सकता है डॉलर में शो हो, तो यहाँ पे मेरे केस में यहाँ पे इंडियन रुपीज में शो हो रहा है। तो यहाँ पे डॉलर में अगर शो होगा तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर आएंगे, हुकमर्स पे आएंगे और सेटिंग्स के अंदर आएंगे और उसके बाद अपने यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिए। जो भी आपका एड्रेस हो यहाँ पे डालने के बाद आपको क्या करना है कि थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे नीचे में आएंगे तो यहाँ पे करेंसी का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपका जो भी करेंसी हो आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए, आप यहाँ पे सर्च करके यहाँ पे ऐड कर लीजिए। ओके दोस्त, इतना करने के बाद दोस्त हम लोगों को एक पेमेंट गेटवे को ऐड करना पड़ेगा। तो पेमेंट गेटवे को ऐड करने के लिए दोस्त आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे पेमेंट्स पे आना पड़ेगा। पेमेंट्स पे आएंगे तो दोस्त आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अभी कोई भी पेमेंट्स गेटवे ऐड नहीं है। तो दोस्त यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आ रहा है, तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे डेमो पर्पस कैश ऑन डिलीवरी को यहाँ पे 7 चेंजेस कर देते हैं। अगर आपको दोस्त मान लीजिए कि कोई भी अगर पेमेंट गेटवे ऐड करना है, डेबिट कार्ड से पेमेंट लेना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से लेना चाहते हैं, UPI से लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे पेमेंट गेटवे आती है। यहाँ पे पेटीएम पेमेंट गेटवे हो सकता है, रेजर पे हो सकता है, पेयू हो सकता है, बहुत सारे पेमेंट गेटवे आपको मिल जाएंगे जिसको आप उस पर अपना अकाउंट बना के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अभी इस पर ऐड कैसे किया जाता है, तो मेरे अगर चैनल पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे मैंने हर तरह का वीडियो बनाया है कि यहाँ पे पेमेंट गेटवे ऐड कैसे करें पेटीएम का। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्विज वेज का भी वीडियो मैंने बना रखा है, यहाँ पे रेजर पे कैसे ऐड करते हैं और यहाँ पे QR कोड को भी कैसे ऐड करते हैं UPI को, तो मैंने सब चीज़ बता रखा है। लेकिन फिर भी मैं आपको डेमो पर्पस एक यहाँ पे UPI पेमेंट गेटवे को ऐड करके मैं बता दूंगा। तो इसके लिए दोस्त हम लोग यहाँ पे प्लगइन सेक्शन के अंदर आएंगे और ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे सर्च करेंगे आप दोस्त UPI, क्योंकि दोस्त शुरुआती में आपको पेमेंट गेटवे का अप्रूवल जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप UPI से काम चला सकते, तो UPI QR कोड पेमेंट गेटवे को आपको इंस्टॉल कर लेना है। अब इस UPI QR कोड पेमेंट गेटवे में क्या होता है दोस्त की बहुत से ऐसे यूजर होते हैं ना बहुत स्मार्ट होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि पेमेंट करते नहीं है, इसको बाईपास कर जाते हैं, इसको क्या करते हैं पेमेंट नहीं करते हैं और वहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी जो होता है ना गलत ट्रांजैक्शन आईडी डाल के इसको कंप्लीट कर लेते हैं ऑर्डर को। तो यहाँ पे आपको मैं सेटिंग बता दूंगा कि कैसे करना है, फिलहाल आपको काम चलाना है इससे, इसको रेगुलर आपको पेमेंट बेस पे नहीं रखना है। यहाँ पे सेटिंग पे आएंगे, ईकॉमर्स पे आने के बाद सेटिंग्स पे हम लोग आएंगे और सेटिंग्स पे आने के बाद दोस्त हम लोग एक ईमेल का काम कर लेते हैं। यहाँ पे ईमेल पे आ जाइए सबसे पहले आप, ईमेल पे आने के बाद दोस्त यहाँ पे आप वो ईमेल आईडी डाल दीजिए यहाँ पे जिस ईमेल आईडी पे आप नए ऑर्डर का नोटिफिकेशन चाहते हैं, कैंसिल ऑर्डर का नोटिफिकेशन चाहते हैं, फेल ऑर्डर का नोटिफिकेशन चाहते हैं। और नीचे में आइएगा तो यहाँ पे अपना फिर से आप डाल दीजिए कोचिंग का, स्कूल का, जो भी आपका नाम है यहाँ पे यहाँ डाल दीजिए और यहाँ पे अपना ईमेल डाल दीजिए। यहाँ पे अगर कलर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे जो भी कलर रखना चाहते हैं आप अपने बिलिंग के अंदर तो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। ओके दोस्त, आप यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्त यहाँ पे जो भी ईमेल आईडी आपको चेंज करना हो मान लीजिए न्यू ऑर्डर का, तो यहाँ पे मैनेज पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप ईमेल आईडी को चेंज करके यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप तीनों ईमेल आईडी चेंज कर पाएंगे। अब पेमेंट पे आते हैं, पेमेंट पे आने के बाद दोस्त यहाँ पे आप देखेंगे कि UPI QR कोड का ऑप्शन जो आ रहा है आप यहाँ पे मैनेज पे क्लिक कर दीजिए। मैनेज पे क्लिक करने के बाद दोस्त आप नीचे में आएंगे और नीचे में आने के बाद दोस्त आपको यहाँ पे एक पेमेंट कलेक्ट स्टेटस का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑन होल्ड रहता है लेकिन आप दोस्त यहाँ पे प्रोसेसिंग रखिए या तो होल्ड पे रखिए, यहाँ पे आपको कंप्लीट पे नहीं रखना है। कंप्लीट पे रखेंगे दोस्त वो मैंने आपको पहले बता दिया है क्या करते हैं सब यूजर, आपको अन होल्ड पे रखना है या तो प्रोसेसिंग पे रखना है। अब प्रोसेसिंग ऑन होल्ड पे रखने का मतलब ये होता है कि कोई भी यूजर अगर आपका पेमेंट करता है, कोर्स बाय करता है, तो वहाँ पे वो ट्रांजेक्शन जो आईडी डालेगा जितना पेमेंट करेगा तो आप मैनुअली चेक करेंगे कि आपके अकाउंट में पेमेंट आया है कि नहीं आया है, और आ गया तो आप मैनुअली उसको आप कंप्लीट करेंगे। ओके दोस्त,
तो यहाँ पे इस तरह से आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप आएंगे तो एक चीज आपको और डालना है, यहाँ पे मर्चेंट यूपीआई आईडी जो आता है ना, तो यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी डाल दीजिए, कुछ इस फॉर्मेट में अपना यूपीआई आईडी डाल दीजिए। पेटीएम नंबर है तो पेटीएम नंबर डाल के एड्रेट पेटीएम कर दीजिए, फोनपे है तो एड्रेट फोनपे कर दीजिए, जो भी है या YBL है जो भी है, आप यहाँ पर डालने के बाद अब सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। कुछ इस तरह से आप यहाँ पे पेमेंट गेटवे भी सेट कर पाएंगे। अगर मान लीजिए दोस्त कि अगर आपको दिक्कत आ रहा है इस तरह की वेबसाइट बनाने में, तो दोस्त आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपके लिए इस तरह की वेबसाइट बहुत ही कम प्राइस में आपके लिए इस तरह का वेबसाइट बना के बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से दे सकते हैं। ओके दोस्त, अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपका पेमेंट गेटवे भी इंटीग्रेट हो गया। अब हम लोग होम पेज पे चलेंगे और अपने होम पेज को डिजाइन करेंगे, कस्टमाइज करेंगे। तो होम पेज पे यहाँ पे आ जाते हैं और होम पेज पे आने के बाद दोस्त आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको एलिमेंटर एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर पे हमने क्लिक किया है। इससे पहले हम लोग चलते हैं अपने पेजेस के अंदर देखेंगे। यहाँ पे पेजेस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 4-5 पेजेस बना होगा। मेरे केस में यहाँ पे ज़्यादा पेजेस हो सकते हैं, लेकिन आपके केस में यहाँ पे 4-5 ही पेज हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अबाउट अस का पेज होगा, ऑल कोर्सेज का होगा, ब्लॉग का होगा और कार्ड का, यहाँ पे चेकआउट का, इस तरह की पेजेस होंगे, डैशबोर्ड का होगा, होम का होगा, प्रोफाइल का होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे और ऑल कोर्सेज का जो पेजेस है, इन सारे पेजेस को आप एडिट कर पाएंगे एलिमेंटर के माध्यम से। यहाँ पे ऑल कोर्सेज का पेजेस जो है इस तरह से आ रहा है, तो यहाँ पे एडिट कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने फिलहाल तो होम पेज का एडिट करने का आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप दोस्त देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड में आपको कुछ कंटेनर आपको दिखेंगे। यहाँ पे आप कंटेनर पे क्लिक करेंगे तो कंटेनर के अंदर कंटेनर है। आप देखेंगे कि इसके अंदर एक इमेज बॉक्स है, एक बटन है, जो कि इमेज बॉक्स ए है, बटन ए है। तो आप जिसको भी आप एडिट करना चाहें आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये कंटेंट है, तो आपका यहाँ पे अगर मान लीजिए कि हिंदी का कोर्स है या कुछ भी हो सकता है, आए आप अपने बारे में डालना चाहें, तो आप यहाँ पे डालिए, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ से सब चीज़ को चेंज कर सकते हैं, हर चीज़ को आप हटा सकते हैं, यहाँ से अपना मैनुअली चीज़ डाल सकते हैं। यहाँ पे जो चीज़ आपका डालना है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आप मान लीजिए कि बटन है, जो कि बटन के ऊपर आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे अपना लिंक डाल दीजिए। यहाँ पे बटन का नाम चेंज कर सकते हैं, हटा सकते हैं, इसको हटाना, डिलीट करना, सब चीज़ आपके मैनुअली आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरह का ऑप्शन आ रहा है, तो आपका यहाँ पे जो आइकन आ रहा है इस आइकन को भी हटा सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं नया आइकन, और जो भी चीज़ है हर चीज़ को आप इस तरह से यहाँ पे क्लिक करना है आपको। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो हम लोगों का जो कोर्स दिख रहा था, जो शॉर्ट कोड यहाँ पे था, तो यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। तो अगर हम चाहेंगे तो यहाँ पे दिखाएंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ऐड प्लस वाले आइकन क्लिक करते हैं और यहाँ पे फिलहाल हम लोग कुछ अलग तरीके से यहाँ पे दिखा लेते हैं, क्योंकि इसका जो रिक्वायर्ड प्लगइन था हम लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया है, हम लोगों ने डिफरेंट प्लगइन इंस्टॉल किया, इसलिए शॉर्ट कोड यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हुक कमेंट्स को हम लोग ऐड कर लेंगे, या हम अगर हम सर्च करें यहाँ पे ट्विटर, तो यहाँ पे ट्विटर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग हुक कमेंट्स को ही ऐड कर लेंगे, हुक कमेंट्स का प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्त आप देखेंगे कि जो हुक कमेंट्स पे हम लोग आए हैं, तो यहाँ पे लॉक ऑप्शन आ रहा है, यानी हम लोग जो एलिमेंटर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे ये प्रो वाला एलिमेंटर हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए दोस्त हम लोग themeraja.com की वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ पे सर्च कर लेंगे एलिमेंटर। तो यहाँ पे हम एलिमेंटर सर्च कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग एलिमेंटर पेज बिल्डर सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पे एलिमेंटर पेज जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे एलिमेंटर प्रो पेज बिल्डर यहाँ पे आ जाएगा, जो कि आपको 49 रुपये के 99 रुपये में मिल जाएगा। दोस्त आप यहाँ से बाय कर लीजिए एलिमेंटर प्रो, आप यहाँ से बाय कर लीजिए। उसके बाद दोस्त हम लोगों को अपने वेबसाइट में आना है, आप जब बाय कर लेंगे एक फोल्डर आपको मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे प्लगइन सेक्शन में आना है और ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक कर देना है। ऐड न्यू प्लगइन पे आने के बाद दोस्त आपको यहाँ पे क्या करना है, अपलोड प्लगइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे जो भी आप फोल्डर डाउनलोड करेंगे उसको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। अब यहाँ पे मेरे पास एलिमेंटर का फोल्डर है कुछ इस तरह के, आप भी वहाँ से बाय करेंगे तो फोल्डर मिलेगा। तो यहाँ पे फ्री है और यहाँ पे प्रो है, तो प्रो वाला हम इंस्टॉल करेंगे और इस प्लगइन को एक्टिवेट कर लेंगे। अब इस प्लगइन को यहाँ पे एक्टिवेट कर लेते हैं। अब ये प्लगइन एक्टिवेट हो गया, अब हम लोग आएंगे अपने एडिटर सेक्शन पे और यहाँ पे जो भी आप एडिट किए होंगे उसको आप अपडेट कर दीजिए। उसके बाद इसको हम रिफ्रेश कर लेंगे और रिफ्रेश करने के बाद ये जो लॉक वाला जो सेक्शन आ रहा था, लॉक का आइकन आ रहा था, अब वहाँ से हट जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने एलिमेंटर का प्रो वर्जन इंस्टॉल कर दिया है। अब यहाँ पे हम लोग इस सेक्शन पे आ गए हैं और यहाँ पे आते हैं हुकमर्स पे, यहाँ पे नीचे में आइएगा तो यहाँ पे हुकमर्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा। अब दोस्त आप देखेंगे कि यहाँ पे जो लॉक का जो सेक्शन था ये हट चुका है, तब यहाँ पे अपना यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। अब यहाँ पे आपका जो भी प्रोडक्ट होगा यहाँ पे शो हो जाएगा, जैसे कि दोस्त हम लोगों ने यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट को ऐड किया था यहाँ पे प्रोडक्ट आ चुका है। कुछ इस तरह से अपना प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देते हैं और जो भी आप चीज़ें यहाँ से चेंजेस करना चाहते हैं, जो भी अपना डिटेल्स डालना चाहते हैं, अपना यहाँ पे इमेज चेंजेस करना चाहते हैं, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। आपके पास जो भी इमेज हो, मान लीजिए कि इनका इमेज मैं लगा लेता हूँ, और यहाँ पे जो भी इनका कंटेंट है आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्लिक कीजिए। हर चीज़ को आप चेंजेस कर पाएंगे, आइकन को भी चेंजेस कर पाएंगे, हर एक चीज़ को आप एलिमेंटर से एडिट कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से।
आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर आप टॉप में अगर एक बैकग्राउंड वाला इमेज है इसको अगर आप हटाना चाहें तो इस पर क्लिक कीजिए, स्टाइल पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड में जो इमेज है इनको भी आप हटा सकते हैं। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो बैकग्राउंड वाला जो इमेज है ना वो वाला यहाँ पे है, तो आप ये वाला इमेज भी आप यहाँ से हटा सकते हैं। मान लीजिए कि ये वाला अगर आप इमेज डालना चाहें तो आप यहाँ पे कर दीजिए क्लिक और वो वाला इमेज यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जो आपको दिखेगा ये जो कलर दिख रहा है ना, तो अगर हम लोग यहाँ पे कलर देखेंगे ओवर जो बैकग्राउंड वाला जो ये कलर है ना, इस पर आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ से कोई और कलर आप करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप ये वाला कलर भी कर सकते हैं और सेकेंडरी कलर है आप इनको भी चेंजेस कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ओके दोस्त, आप इस तरह से हर चीज़ को चेंज कर सकते हैं, इसके बाद अपडेट कर दीजिए। अब आप बोलेंगे कि ये जो फुटर बार है ये एडिट नहीं हो रहा है, अब यहाँ पे कोई कर्सर काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे बाहर निकलना पड़ेगा, विजिट पेज पे आते हैं। फिलहाल हम आपको ये वाला बता देते हैं, तो इस पे सेम प्रोसेस ऐसे ही है, कोर्सेज वाला पेज है इस पे क्लिक कीजिए और जो कोर्सेज है तो आपको ऑल कोर्सेज यहाँ पे कैसे दिखाना है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे जो शॉर्ट कोड था वहाँ से मैंने गलती किया है, ये शॉर्ट कोड हटाया नहीं, तो इसको हम लोग हटा देंगे। यहाँ पे एडिट कीजिए और ये शॉर्ट कोड का जरूरत नहीं है, कुछ इस तरह से आप प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ये जो चीज़ है तो इसको पहले हम हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ पे इसको डिलीट कर लेते हैं और ऐड न्यू सेक्शन कर लेते हैं और यहाँ पे WooCommerce को लाके यहाँ पे अपना प्रोडक्ट को शो करा देंगे। यहाँ पे जो भी आपको प्रोडक्ट शो कराना है कुछ इस तरह से शो करा लेंगे और यहाँ पे कुछ चेंजेस करना हो तो आप कर सकते हैं जैसे कि हम लोगों ने बताया था। और नीचे वाला जो सेक्शन है एडिट नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये नीचे वाला कैसे होगा ये भी हम आपको बता देंगे, घबराइए मत। अब यहाँ पे इसको अपडेट कर लेते हैं, आपको जो भी चेंजेस करना है आप कर लीजिए एक एक चीज़। अब यहाँ पे हम कट कर लेते हैं और यहाँ पे हम आते हैं इस वाले सेक्शन पे और यहाँ से जो चीज़ें हमने नहीं हटाया था इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे इसको डिलीट कर लीजिए, कुछ इस तरह से अपडेट कर दीजिए, आपका काम हो गया। और यहाँ पे होम पेज पे हम लोग निकल लेते हैं। अब हम लोगों का कोर्स यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखेगा, आप कोई यहाँ पे ओपन करता है तो देखिए अब यहाँ पे हम लोगों का जो कोर्स होगा कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ पे कोई कार्ट करेगा, ऐड टू कार्ट करेगा यहाँ पे, अब उसके बाद कुछ इस तरह से हम लोगों का व्यू होगा कोर्स। अब यहाँ पे व्यू कार्ट आएगा तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे चीज़ें इसमें चेंजेस करने वाले हैं, आगे चल के चेंज करेंगे। प्रोसीड चेकआउट का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स मांग रहे हैं, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि इतना डिटेल्स ना मांगे, क्योंकि हम लोगों का अगर कोर्स हम लोग सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर इतना ही काफ़ी है, तो ये चीज़ें भी हम लोग हटा सकते हैं। ओके दोस्त, तो यहाँ पे आगे चल के आपको बताएंगे कैसे वो चीज़ हटेगा। तो ये भी अपने को होम पेज पे आते हैं और आपको बता रहे थे कि ये जो फुटर वाला सेक्शन है इसे एडिट करने के लिए यहाँ पे कस्टमाइजेशन पे आप क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पे चेक, हमने कस्टमाइजेशन पे क्लिक किया और कस्टमाइजेशन वाला सेक्शन ओपन हो चुका है। यहाँ पे फुटर बिल्डर पे हम लोग क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे जो फुटर है यहाँ से डिजाइन हुआ है। ओके दोस्त, यहाँ पे विजिट्स पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे विजिट्स ओपन होगा, गो इट पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे जो चीज़ें है जो डिस्क्रिप्शन है ये वाला चीज़ है, आप यहाँ से जो भी आपको डिस्क्रिप्शन हटाना हो या ऐड करना हो आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्त आप ये वाला सेक्शन अगर देखेंगे आप तो यहीं पे होगा, ये आप देखेंगे कि वाइट में है इसलिए आप यहाँ से इनको भी आप चेंजेस कर पाएंगे। यहाँ से अगर आप इसका कलर पहले चेंज कर लीजिएगा जो भी आपको एडिट करना होगा, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने नंबर एडिट कर लिया और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर नंबर आ चुका है और यहाँ पर सारी चीज़ें एडिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बटन का ऑप्शन आ रहा है, जो कि यहाँ पर बटन आप देखेंगे ये बटन है, तो आप यहाँ पे इसका भी बटन का आपको जो भी चेंजेस करना है, लिंक को चेंज करना है आप कर सकते हैं। उसके बाद कॉपीराइट सेक्शन है, आप यहाँ से अगर कोई कंटेंट चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप इस तरह से पब्लिश कर सकते हैं। इसका जो बैकग्राउंड कलर है तो आप बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्त आपको यहाँ पर डिज़ाइन पर क्लिक करना है और यहाँ पर डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे बैकग्राउंड कलर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जो भी आपको बैकग्राउंड कलर रखना है आप यहाँ पर रख सकते हैं और यहाँ से इनका भी बैकग्राउंड कलर आप चाहें तो यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे डिज़ाइन पे जाइए और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो भी आपको रखना है पब्लिश कर दीजिए। पब्लिश करने के बाद यहाँ से बाहर आ जाते हैं और रिफ्रेश करके आप लोग देख लेंगे तो यहाँ पे कलर भी चेंज हो गया, जो कंटेंट हमने चेंज किया तो वो भी चेंज हो गया है। तो कुछ इस तरह से आप इसका फुटर बार भी चेंज कर पाएंगे। उसके बाद हम लोग अपने होम पेज पर आते हैं, अपने डैशबोर्ड के अंदर आते हैं। डैशबोर्ड के अंदर बहुत सारे अभी काम बाकी है, वीडियो भी ऐसे बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो जो भी बाकी का चीज़ें हैं अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, फिलहाल एक चीज़ आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए दोस्त मैं हम लोग प्लगइन सेक्शन में आएंगे और ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे WooCommerce चेकआउट फील्ड एडिटर, तो यहाँ पर हमने सर्च कर दिया क्योंकि मैंने ये चीज़ आपको बताया था कि यहाँ पर अगर हम लोग इसको रिड्यूस करना चाहें तो उसके लिए हम लोग एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लेंगे, यहाँ पर चेकआउट फील्ड एडिटर है तो इसी प्लगइन को हमें इंस्टॉल करना था। अब यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल हो गया, एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट करने के बाद दोस्त अपने को यहाँ पे WooCommerce पे आइएगा तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सेक्शन आपको मिल जाएगा चेकआउट फॉर्म का, तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा।
क्लिक करने के बाद दोस्त आपको क्या करना है कि यहाँ पे कंपनी, कंट्री, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जो भी ये चीज़ें आप हटाना चाहते हैं उनको सेलेक्ट कर लीजिए। और सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे डिसेबल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम डिसेबल कर देंगे और यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे एक और चीज़ लास्ट नेम है, उसको भी हम डिसेबल कर देंगे और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्त हम लोग आते हैं, अपना फॉर्म देखते हैं यहाँ पे और एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं यहाँ पे जो चीज़ें हमने किया था वो चीज़ें हट गया है कि नहीं। तो दोस्त आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट नेम आ रहा है। अभी हम यहाँ पे चाहेंगे कि सिर्फ नेम दिखे, यहाँ पे फ़ोन नंबर आ गया और यहाँ पे ईमेल आईडी और यहाँ पे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ रहा है इसको भी हटाएंगे हम। तो इसके लिए दोस्त हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो फर्स्ट नेम आ रहा है ना इसको एडिट करेंगे और यहाँ पे हम जो लेबल नेम है ना फर्स्ट नेम, सिर्फ हम लोग यहाँ पे नेम रख देंगे। यहाँ पे नेम कर दिया और इसको सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए तो हम लोगों का वहाँ पे नेम दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल जो फील्ड है ना इस पर क्लिक कीजिए आप और यहाँ पे हम लोगों को डिजिटल प्रोडक्ट में एडिशनल इसकी ज़रूरत है नहीं, इसको भी हम डिसेबल कर देंगे यहाँ से और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। दोस्त इतना करने के बाद दोस्त हम अपने चेकआउट पेज पे आते हैं और चेक करेंगे यहाँ पे सब चीज़ें। यहाँ पे अपन हम लोगों का नेम आ गया है और फ़ोन नंबर आ गया, ईमेल आईडी आ गया, यानी कोर्स सेल करने के लिए दो तीन चीज़ें काफ़ी है। अगर आप सिटी चाहें तो सिटी भी डला सकते हैं, वहाँ पे रख सकते हैं। इतना करने के बाद दोस्त आप यहाँ से आप चेकआउट का फॉर्म आपका रेडी हो चुका है, आपका मतलब कोर्स सेल होने के लिए आपका रेडी हो चुका है। अगर हम लोग होम पेज पर आएँ यहाँ पर तो हम लोगों का जो कोर्सेज हैं यहाँ पे शो हो रहे हैं और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कुछ इस तरह से शो हो रहे हैं। और भी यहाँ पे ऑल कोर्सेज अबाउट अस, आप अबाउट अस के पेज पे क्लिक कीजिए और अपना जो भी अबाउट अस है आप यहाँ एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करके आप एडिट कर लीजिए पूरे पेज को। सेम ऐसे ही कर सकते हैं, कंटेक्ट्स वाली पेज को भी एडिट कर सकते हैं, माई अकाउंट का जो पेज है उसके अंदर भी कुछ एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब बाकी का जो चीज़ें है नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, जो भी इसके अंदर जो छूट गया है, जो बहुत चीज़ें ऐसे हैं जो कि छूट गया है, वो चीज़ों को मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा क्योंकि वीडियो की बात करें तो वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है। और दोस्त अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्त आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आने में आसानी हो। आप लोगों का मोटिवेशन ही हमें मोटिवेट करता है कुछ नए तरीके का, नए अंदाज में कुछ नए नए तरीके का वीडियो बनाने में। अगर आप लोग इस वीडियो पर ज़्यादा रिस्पॉन्स देंगे, ज़्यादा प्यार देंगे तो हम ऐसा ही कुछ और भी वीडियो लेके आएंगे जो कि आप लोगों को हेल्प हो सकते हैं। साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत सारे ऐसे इस तरह की वीडियो आपको मिल जाएंगे देखने को। और साथ में आप व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कुछ भी हमारा जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए दोस्त फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।